पे स्टार प्रचारक के रूप में धर्मलाल कौशिक जी के जो है विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए रवि किशन जी आए हुए थे और स्टेज से उन्होंने संबोधित भी किया। और हमारे लिए अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो पहुना की बात हम करते हैं, अतिथि की बात करते हैं, उस छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत प्यार उनको मिला। धर्मलाल कौशिक जी भी हैं, उनसे भी समझेंगे और साथ में रवि किशन जी से भी संवाद बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ अगर कहें तो अतिथि हैं रवि किशन जी। रवि किशन जी 2 मिनट का टाइम दे दी, 2 मिनट का बोला बोले जल कैसा लागल छत्तीसगढ़? यहाँ रहना चाहिए, बहुत अद्भुत ऐतिहासिक कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। चलिए चलिए, देखें समय जो है कम है। बहरहाल धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ में हैं, अभी रोड शो किया इन्होंने और इस रोड शो में बुलडोजर पे आप चढ़े थे, क्या कुछ है बुलडोजर दिखाना क्या चाहता है? देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर चाकूबाजी की घटना हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर अनाचार की घटना हो रही है, खुलेआम लूट के ले जा रहे हैं, दिन दहाड़े सराफा दुकान में गोली चलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जिस प्रकार के लोग अगवा करते हैं, लेके जाते हैं और गोली चलाते हैं, ये उसकी निशानी है कि इनको छोड़ेंगे नहीं। जैसे यूपी में बुलडोजर चला है, अब छत्तीसगढ़ में बुलडोजर सरकार बनाना है, इसके लिए हम लोग जिंदाबाद। काफी की संख्या में भीड़ देखी, इसे क्या समझा जाए? देखिए जो भीड़ दिखा है, मतलब जनता ने मन बना लिया है और मन बनाने के बाद में केवल इंतजार कर रहे हैं 17 तारीख का। 17 तारीख को कमल का बटन दबेगा, 23 दिसंबर को पेटी खुलेगी और सरकार हमारी बनेगी और जनवरी में राम मंदिर का लोकार्पण होगा, अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। ननिहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा श्री रामचंद्र जी का है, कल 20 सीटों पे वोटिंग हुई थी, किस तरह से देखते हैं, क्या समर्थन मिला होगा? भगवान का पूरा आशीर्वाद मिला है और मैं समझता हूँ जिस बस्तर के बात करते हैं, जिस बस्तर कांग्रेस उनके दम पे सरकार बनाई है, इस बार उनका सुकड़ा साफ होने वाला है। काफी सीटें हमको मिलेंगे और 20 सीटों में जो है निश्चित रूप से हम लोग काफी आगे रहे हैं। 20 सीटों पे काफी आगे रहे हैं, ये जो है धर्मलाल कौशिक जी ने कहा और प्रदेश में सरकार बनती हुई ये बताया है। अपराध को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बात कही कि अपराध की जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को लगाम लगाया जाएगा। बहरहाल आपको बता दूं, जनता ही जनार्दन है और जनता के द्वारा इन क्षेत्रों में जो 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं उनमें ही ये छिपा है कि आखिर छत्तीसगढ़ प्रदेश किसके किसके हाथों में जाने वाला है, ये देखने वाली चीज रहेगी। दूसरी मैं आपको बता दूं, साधना न्यूज हमारे कार्यक्रम में ये अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महान त्यौहार में अपने मत का प्रयोग करके छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में भागीदार बने। कैमरा